भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा लगभग 55 से अधिक मामलों में 4 वर्ष से फरार आरोपी को जयपुर राजस्थान से किया गिरफ्तार। आरोपी सुनील टिंड बडेवाल पर लगभग 55 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें धोखाधड़ी, बलात्कार, मारपीट, चेक बाउंस जैसे कई अपराध दर्ज हैं, जिस पर भोपाल पुलिस द्वारा लगभग 30,000 का इनाम रखा गया था। आरोपी जयपुर में चाय वॉक कैफे तथा स्मैक कैफे नामक दुकान का संचालन कर रहा था। आरोपी की तलाश क्राइम ब्रांच द्वारा पहले भी कई राज्यों में की जा चुकी है। पुख्ता जानकारी मिलने पर भोपाल क्राइम ब्रांच द्वारा उसे जयपुर से हिरासत में लिया गया। ये फरार भूमाफिया है, सुनील टिबड़ेवाल को गिरफ्तार किया है। ये लंबे समय से फरार बताया जा रहा था। क्या मामला था इसके ऊपर और कितने इसके वारंट थे? क्राइम ब्रांच को इस बात की जानकारी मिली थी कि विगत वर्षों से फरार भूमाफिया, जिसको 55 स्थायी वारंटों में और लगभग 12 मामले जिसमें कि मारपीट, SC/ST 376, 420 और कई मामले जिसमें वांछित हैं और इस पर कई हजारों रुपये का इनाम है, ये जयपुर में छत में भेस रखकर रेस्टोरेंट चला रहा है और वहाँ पर अपना छुपकर फरारी काट रहा है। क्राइम ब्रांच ने इस संबंध में तलाश पता रही की इससे पहले भी क्राइम ब्रांच इसकी तलाश में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, UP यहाँ तक कि पहले कलकत्ता में होने की इसकी जानकारी मिली थी, परंतु अपेक्षित सफलता नहीं मिली। बाद में जब जयपुर टीम भेज कराएगी और यहाँ पर क्राइम ब्रांच को सफलता हाथ लगी, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सुनील टिबड़ीवाल नामक जो धोखेबाज है, इस पर करीब 55 के लगभग स्थायी वारंट और 12 मामलों में आपराधिक मामलों में थानों से फरार है। ये कॉलोनाइजर रहा है और कई लोगों के प्लॉट के नाम पर बुकिंग करके पैसे हड़प लिए और उन लोगों का पैसा नहीं दिया। बाद में उनको चेक दिए गए जिनको कोर्ट में मामले चल रहे हैं। इससे आरोपी को हम रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहे हैं। संबंधित थाने को इस संबंध में सूचना दी जा चुकी है। वारंट भी क्राइम ब्रांच के द्वारा तामील कराए जा रहे हैं और इसको रिमांड पर ले जाकर आगे की पड़ताल पूछताछ की जाएगी। इस संबंध में और भी जो फरियादी हैं, पीड़ित हैं, वो शिकायतें दे सकते हैं, जहां संबंधित थानों में इनको जांच के लिए भेजा जाएगा। सर, इसके धोखाधड़ी, बलात्कार, मारपीट के